नमस्कार, न्यूज नाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन, मणिपुर हिंसा के बीच 9 में 23 उग्रवादी संगठनों पर 5 साल के लिए लगाया बैन। पीएम मोदी के झारखंड दौरे में बदलाव, 15 नवंबर के बजाय 14 नवंबर को ही पहुंचेंगे रांची, जाएंगे उलिहातू और करेंगे रोड शो। जीतन राम मांझी का ऐलान, सीएम नीतीश के खिलाफ पटना में मंगलवार को अंबेडकर स्मारक पर देंगे धरना, दलितों के अपमान का आरोप। और कैमूर में नहर में डूबने से एक ही परिवार के 5 बच्चों की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा, पूरे इलाके में पसरा मातम। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर हिंसा मामले को लेकर बड़ा कदम उठाया है। विभाग की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी कर 9 मई उग्रवादी संगठनों पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। इन सभी संगठनों पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर ये प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी और इसकी राजनीतिक शाखा रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट और इसकी सशस्त्र शाखा मणिपुर पीपल्स आर्मी शामिल है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता दीदी ने सांसद महुआ मोइत्रा को बड़ी जिम्मेदारी दी। ममता ने मोइत्रा को कृष्णनगर का पार्टी प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। कृष्णनगर सीट से लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा को टीएमसी ने ऐसे समय में ये जिम्मेदारी दी है जब वो लोकसभा में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप से घिरी हुई है। कुछ दिन पहले ही लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने उन्हें निष्कासित करने की सिफारिश की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झारखंड आने वाले हैं। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। दरअसल पीएम मोदी पहले 15 नवंबर को झारखंड दौरे पर आने वाले थे, लेकिन अब 14 नवंबर को ही झारखंड आ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी और रांची में एक रोड शो करेंगे। इसके बाद वो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू जाएंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ धरना देने का ऐलान किया है। मांझी पटना के अंबेडकर स्मारक पर मौन धरना देंगे। मांझी ने मुख्यमंत्री पर दलितों के अपमान का आरोप लगाया है। बता दें कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सीएम नीतीश ने जीतन राम मांझी को खूब खरी खोटी सुनाई थी, जिसके बाद से मांझी आहत है। इधर जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने जीतन राम मांझी पर हमला बोला है। गुलाम गौस ने कहा है कि मांझी ने सीएम नीतीश की छवि पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी चाहे तो मांझी को कंधा पर बैठाकर घुमाए। बिहार की जनता जानती है कि सीएम नीतीश दलित के शुभचिंतक है। कंधा पर लेके घुमावे ना, बीजेपी को तो हमेशा नुकसान ना हो जाएगा। नीतीश कुमार कोई नुकसान होने वाला, कंधा पे लेके इतना बड़ा जो इतिहास रच दिया गया इस देश में, आरक्षण की व्यवस्था जो सीमा थी उसको बढ़ा दिया गया, ये पिछड़े दलित क्लियर कहीं जाने वाले हैं। कैमूर में दर्दनाक का हादसा हुआ। इस हादसे में 5 बच्चों की जान चली गई है। घटना करमचट थाना क्षेत्र के धव पोखर गांव की है। बताया जा रहा है कि सभी तालाब में स्नान करने गए थे, इसी दौरान एक ही परिवार के 5 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों में 2 लड़के और 3 लड़कियां हैं। वहीं इस घटना के बाद से पूरे इलाके में मातम पसर गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी सुरंग हादसे में फंसे मजदूरों को निकालने का काम अब भी जारी है। बता दें कि सुरंग का एक हिस्सा टूट जाने से करीब 40 मजदूर अंदर फंस गए थे, जिसमें से झारखंड के 15 मजदूर तो बिहार के 4 मजदूर बताए जा रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि सुरंग के अंदर अभी भी 40 से ज्यादा मजदूर फंसे हुए हैं, जिसके लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पटना पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर आलोक शर्मा हत्याकांड में बड़ा खुलासा किया है। राजीव मिश्रा ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए कहा कि मामले में महिला सहित कुल 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, साथ ही हथियार भी बरामद किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि आलोक की हत्या के लिए पार्टनर के भाई ने ही शूटर को पैसा दिया था। आलोक कुमार जो अपने ड्राइवर के साथ जो है धनतेरस की खरीदारी करने जा रहे थे और इसी क्रम में उनकी गोली मारकर हत्या की कर दी गई थी। इस संबंध में पुलिस को जब सूचना मिली, उसके बाद नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में एक टीम तुरंत काम करना शुरू की और
घटना प्रतिवेदित होने के 2 से 2.5 घंटे के अंदर ही हम लोगों ने सारी घटना का डिटेक्शन कर लिया था, और उसके बाद जो लोग उसमें सम्मिलित थे उनकी पहचान भी कर ली गई थी, और उसके बाद हम लोगों ने गिरफ्तारी के लिए लगातार जो है छापेमारी करना शुरू की। पूरी घटना का उद्भेदन जो हुआ है और उसमें जो बात आई वो ये है कि जो मृतक हैं उनके एक पार्टनर थे जिनकी हत्या जो है पिछले वर्ष दिसंबर में कर दी गई थी। उनके छोटे भाई जो हैं जिनको उस घटना में उनको भी गोली लगी थी और इंजर्ड हुए थे, उनके द्वारा ही इस पूरी जो योजना थी, जो आपराधिक षड्यंत्र था, उसको बनाया गया था। और उनको ये संदेह था कि उनके भाई की हत्या के बाद जो उनके पार्टनर हैं आलोक, वो जो उनका पैसा है, उनके भाई के हिस्से का जो पैसा है उसको जो है गबन कर ले रहे हैं। जितना पैसा उन लोग को मिलना चाहिए था उतना पैसा उन लोग को नहीं दे रहे हैं, और उनको ये भी संदेह हो रहा था कि उनके भाई की हत्या भी इन्हीं के द्वारा कराई गई और उनकी हत्या का भी षड्यंत्र जो है इनके द्वारा रचा जा रहा है। संबंध में पूछताछ के क्रम में वो बार बार इन्हीं बातों पर इंसिस्ट कर रहे हैं। छठ महापर्व को लेकर पटना डीएम चंद्रशेखर कुमार ने पटना सिटी के गायघाट से लेकर कंगन घाट तक का दौरा किया और सभी गंगा घाटों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने खतरनाक घाटों को सुरक्षित करने के लिए अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर पटना एसडीओ, पटना सिटी एसपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं पटना डीएम ने बताया कि पटना के 4 घाट खतरनाक है, वहीं गंगा का जल स्तर में गिरावट होने के कारण पटना सिटी के सभी घाट सुरक्षित है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान की टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। पाकिस्तान महज 4 मैच ही जीत सकी और वर्ल्ड की रेस से बाहर हो गई है। वहीं इस खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान टीम ने भी कई लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जा सकता है। इसकी शुरुआत टीम के गेंदबाजी कोच मोन मोरकल से हो चुकी है। कोच मोन मोरकल ने ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक्ट्रेस शहनाज गिल ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान के दर्शन किए हैं। शहनाज ने स्ट्रिप से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी साझा की है, जिसके बाद ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही है। वहीं उनके कई फैंस इसे लेकर अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। बिहार में अब धीरे धीरे ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह सुबह और रात के वक्त लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आने वाले एक हफ्ते में सूबे का तापमान और गिर सकता है। ऐसे में लोगों को बदलते मौसम को लेकर अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। बने रहिए इसी तरीके से दर्श न्यूज पर। धन्यवाद।